वेलकम बैक वंस अगेन। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। सो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ काले चने की रेसिपी। देखें अलग अलग तरीके से बनाया जाता है इन काले चनों को, तो आज मैं आप लोगों को बहुत आसान तरीका बताऊँगी तो कैसे बनाना है, और वो सेम टेक्सचर और एक यूनिक सा मसाला हम रेडी करेंगे जिस तरीके से इसके ऊपर एक कोड हो जाए मसाला। तो देख लेते हैं आज की रेसिपी काला चना बहुत ही आसान तरीके से। चलें स्टार्ट करते हैं। देखिए काले चने को बनाने के लिए सबसे पहले देखिए मैंने रात भर ये भिगो दिए थे ये चने को। इतना आपको चना भीगना चाहिए, अगर आप इसे तोड़ें तो इस तरीके छिलका अलग हो जाए। तो ओवन एग के लिए चने को आप भिगोएं, जब भी आप कोई सी भी चने बना रहे हो, चाहे वाइट वाले यूज़ कर रहे हो या ब्लैक वाले, तो अच्छे तरीके से वो फूलते हैं। ओके, तो उसके बाद देखिए मैंने इनको 2 से 3 सीटियों में इस तरीके से बॉइल्ड कर लिया है। बॉइल्ड हो गए अच्छे तरीके से मेरे ये चने, तो चलें आगे का प्रोसेस देख लेते हैं। देखिए हम बहुत ही कम तेल में इन चनों को बनाएंगे, ज़्यादा मैं ऑयल नहीं यूज़ करूँगी। अच्छे तरीके से यहाँ पे ऑयल गर्म हो चुका है, उसके बाद मैं यहाँ पे ऐड करूँगी 1.5 टीस्पून के करीब ज़ीरा मीन्स क्यूमन सीड्स। उसी के बाद मैं यहाँ पे ऐड करूँगी 1 टेबलस्पून ऑफ ये पिसी हुई अदरक का पेस्ट है। यहाँ पे आप बारीक अदरक काट के भी ऐड कर सकते हैं, अगर पेस्ट हो तो पेस्ट डाल दें। उसके बाद हल्का सा मैंने यहाँ पे पानी ऐड किया, वाटर ऐड किया, जिससे हमारे मसाले जले नहीं। मसाले ऐड करते हैं डालना। 1 टीस्पून मैंने यहाँ पर डाला येलो चिली पाउडर पिसी हुई। 2 टेबलस्पून मैं यहाँ पे ऐड करूँगी कोरिएंडर पाउडर मीन्स धनिया का पाउडर। धनिया का पाउडर इसमें जो है वो थोड़ा ज़्यादा जाता है, तो कंजूसी मत कीजिएगा। 1.5 टीस्पून के करीब डालेंगे हल्दी। साथ ही साथ मैं यहाँ पर ऐड करूँगी नमक। उसके बाद 1.5 टीस्पून के करीब ब्लैक सॉल्ट मीन्स काला नमक, बहुत ही अच्छा टेस्ट देता है इन काले चनों में, ज़रूर डालिएगा। और एक अच्छा कलर देने के लिए कश्मीरी लाल मिर्च मैं ऐड कर रही हूँ यहाँ पे 1.5 टीस्पून के करीब। ज़्यादा से मिर्चें नहीं होती, बस एक अच्छा कलर देगी आपके चने में। अच्छे से सारे मसालों को लो मीडियम फ्लेम पर कर लेंगे मिक्स, और हमें ज़रा वेट करना है अच्छे तरीके से मसाला हमारा पक जाए। लो फ्लेम पे पकाइएगा मसाले को, मेक श्योर ज़्यादा आप तेज़ पे पकाओगे सारे मसाले आपके जल जाएंगे। तो यहाँ पे 4 से 5 मिनट हो गए हैं, अच्छे तरीके से मसाला जो है वो यहाँ पे पक चुका है। तो और आप देख सकते हैं मैंने ज़्यादा ऑयल इसमें यूज़ नहीं करा है। अगर आप चाहो ज़्यादा ऑयली बनाना तो आप बना सकते हो इन चनों को, लेकिन कम ऑयल का आप यूज़ करें, हेल्दी खाएँ। उसके बाद मैं यहाँ पे ऐड कर रही हूँ देखें कसूरी मेथी है, बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है कसूरी मेथी में। जो भंडारे वाले भैया लोग होते हैं वो इसमें कसूरी मेथी ज़रूर डालते हैं, बहुत ही अच्छा यूनिक से एक टेस्ट निकल के आएगा, इसको ज़रूर डालिएगा, स्किप मत कीजिएगा। सब चीज़ें अच्छे से यहाँ पर हो चुकी हैं मिक्स। उसके बाद मैं यहाँ पर ऐड करूँगी बॉयल्ड हुए हमारे काले चने। मेक श्योर जो इसका पानी होता है बिल्कुल भी फेंकिएगा मत इस पानी को, पानी को भी इसमें आप ऐड कर दीजिएगा। अच्छे से इन चनों को हम कर देंगे मिक्स इस मिक्सचर के साथ, और फ्लेम को हम शुरू में हाई रखेंगे। इस टाइम पे जो फ्लेम है वो हाई है, एक बॉईल का वेट करते हैं यहाँ पे, अच्छा से बॉईल आने का वेट करते हैं। उसके बाद मैं यहाँ पे ऐड करूँगी देखें ये बारीक कुटी हुई है ब्लैक पेपर पाउडर। साथ ही साथ हल्का सा मैं यहाँ पे ऐड कर रही हूँ गर्म मसाला, होममेड गर्म मसाला है ये, और अच्छे तरीके से आप इसको कर दीजिए मिक्स। और अभी आप देख सकते हो यहाँ पर पानी है, इस पानी को हमें सारा पानी हमें ड्राई करना है, सुखाना है सारा पानी। तो अब हम क्या करेंगे, शुरू में हमारी फ्लेम जो थी वो हाई है, और अब हम बिल्कुल मीडियम कर देंगे और इसको वेट करते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हो 5 से सिर्फ 6 मिनट के बाद सारा पानी जो है इन चनों का वो ड्राई हो चुका है, सूख चुके हैं बिल्कुल ये चने। अगर आप चाहो तो ज़्यादा मसाले वाले भी बना सकते हो, लेकिन अगर ज़्यादा मसाले वाला हम बनाएंगे तो हल्का सा बहुत आप कह सकते हो कुछ लोगों को एसिडिटी भी हो जाती है, ज़्यादा मसालों वाले लोग नहीं खाते हैं। तो जिनको कम मसाले वाले पसंद हो वो कम मसाले डालें, और जिनको ज़्यादा मसाले वाले पसंद हो काले चने तो वो ज़्यादा मसाले वाले डाल सकते हैं मसाले अच्छे तरीके से, और 1 टेबलस्पून के करीब ऐड कर सकते हैं। इंग्रेडिएंट सारे वो ही रहेंगे। सब चीज़ें अच्छे तरीके से आप देख सकते हो यहाँ पे मिक्स हो चुकी हैं। काले चने हमारा बनके इस पॉइंट पे रेडी है। ऊपर से मैं यहाँ पे ऐड कर दूँ कुछ इस तरीके से कटी हुई हरी मिर्चें, ऊपर से आप हरा धनिया भी ऐड कर सकते हैं। तो ये देखिए हमारे काले चने भंडारे स्टाइल बन के रेडी हो चुके हैं, ज़रूर ट्राई कीजिएगा लोग इस रेसिपी को, बहुत ही आसान सी रेसिपी है। मैं कोशिश करती हूँ आसान से आसान रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करूँ। अगर वीडियो पसंद आए लाइक कीजिए।